हे गाइस वेलकम बैक और एक नए वीडियो में दोस्तों फाइनली रियलमी जीटी मास्टर्स एंड डिवाइस के लिए मार्च मंथ का अपडेट रोल आउट स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे यूजर कह रहा है ये जो अपडेट है स्टेबल अपडेट है। तो गाइस अगर आपके पास रियलमी जीटी मास्टर्स एंड डिवाइस है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं इस वीडियो में इस जो अपडेट रोल आउट किया जा रहा है C.04 इसका फुल डिटेल्स रिव्यू आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। क्या रियलमी वाई 4.0 का स्टेबल अपडेट है या फिर बीटा अपडेट है आपको सब कुछ बताऊंगा, आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो गाइस चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो के तरफ। देख लीजिए ये जो अपडेट है मेरा डिवाइस में रिसीव हो चुका है। आप फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए रियलमी UI 4.0 एंड्रॉइड 13। आप नीचे में देखिए वर्जन अप टू डेट RMX नंबर भी आप यहाँ पे देख सकते हो RMX 3360। ये रियलमी GT मास्टर का RMX नंबर है और गाइस ये जो अपडेट है इसका वर्जन है आप फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए 11.8.04 और उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख लीजिए बीटा वर्जन। मतलब गाइस ये स्टेबल अपडेट नहीं है, ये बीटा अपडेट ही है। इसका जो साइज था 35 MB का था, छोटा सा साइज है। तो फिलहाल गाइस चलते हैं इसका फुल चेंज लॉग की तरफ। तो दोस्तों आप या फिर फिलहाल देख लीजिए इसका जो फुल चेंज लॉग है इसमें आपको उतना ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। रियलमी UI 4.0 का जो बेसिक चेंज लॉग है वही आपको इस अपडेट के साथ देखने को मिल जाएगा। आप फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए जो रियलमी UI 4.0 का बेसिक चेंज लॉग है वही आपको देखने को मिलता है। तो आपको मैं सब कुछ बताऊंगा इस अपडेट के साथ आपको क्या कुछ चेंज देखने को मिलेगा, कौन सा फीचर्स आया है, कौन सा बग फिक्स किया जा रहा है, सब कुछ बताऊंगा। आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों देखिए इस अपडेट के बाद अगर आपका डिवाइस में हैंगिंग इशू हो रहा था तो आपको थोड़ा सा हैंगिंग इशू कम देखने को मिलेगा। तो फिलहाल देखिए मैं जब डिवाइस को अपडेट किया, अपडेट करने के बाद आप फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए डिवाइस बहुत ही स्मूथली यहाँ पे काम कर रहा है, कोई भी इशू मुझे देखने को नहीं मिला है। उसके साथ साथ गाइस जो रैम मैनेजमेंट है वो भी बहुत ज्यादा घटिया हो गया था, बहुत सारे यूजर कह रहा था, लेकिन इस अपडेट के बाद जो रैम मैनेजमेंट का जो इशू था वो यहाँ पे फिक्स होने वाला है। नेक्स्ट जो इशू आ रहा था रियलमी GT मास्टर्स एंड डिवाइस में C.03 अपडेट के बाद फ्लिकरिंग इशू, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो फ्लिकरिंग इशू है वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। देखिए मैं यहाँ पे ब्राइटनेस को फुल किया, यहाँ पे देखिए फ्लिकरिंग नहीं आ रहा है। उसके साथ साथ मैं ब्राइटनेस को बिल्कुल यहाँ पे डाउन कर देता हूँ, आप यहाँ पे देखिए बिल्कुल डाउन हो चुका है। उसके बाद आप फिलहाल यहाँ पे देखिए फ्लिकरिंग बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, मतलब जो फ्लिकरिंग का जो इशू था वो इस अपडेट के बाद फिक्स हो चुका है। आप यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस को आप कर रहा हूँ, आप देखिए फ्लिकरिंग नहीं हो रहा है। उसके साथ मैं और भी थोड़ा सा आप कर रहा हूँ, आप देखिए फ्लिकरिंग नहीं हो रहा है और मैं बिल्कुल ही फुल कर देता हूँ, देखिए फ्लिकरिंग इशू नहीं है। तो अगर आपका डिवाइस में फ्लिकरिंग इशू हो रहा था C.03 अपडेट के बाद तो C.03 अपडेट अगर आपको रिसीव हो चुका है अपडेट कर लेना, फ्लिकरिंग इशू यहाँ पे सॉल्व होने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हो रहा था C.03 अपडेट के बाद वो है नेटवर्क का इशू। तो आप यहाँ पे फिलहाल देख लीजिए नेटवर्क जो इशू है अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। मैं जब भी कॉल करता हूँ ऑटोमेटिक कॉल डिस्कनेक्ट हो रहा है, वॉल्टी है ना वो ऑटोमेटिक गायब हो रहा है, कॉल ऑटोमेटिक काट हो रहा है। तो नेटवर्क का जो इशू है अभी भी फिक्स नहीं हुआ है, शायद स्टेबल अपडेट के साथ ये फिक्स किया जा सकता है। तो आप वीडियो को देखते रहिए, मैं इस वीडियो में एंड में बताऊंगा स्टेबल अपडेट कब तक रोल आउट किया जाएगा रियलमी GT मास्टर्स के लिए, तो आप वीडियो को एंड तक देखते। लेकिन C.04 अपडेट के बाद भी जो नेटवर्क का इशू है रियलमी GT मास्टर्स एंड डिवाइस में वो सॉल्व नहीं हुआ। तो अभी फिलहाल इस अपडेट के बाद जो सिस्टम एप्लीकेशन है उसका वर्जन चेकआउट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं फोन मैनेजर के ऐप इन्फो की तरफ। तो आप देख लीजिए फोन मैनेजर का वर्जन है 13.5.3, ये आपको थोड़ा सा लेटेस्ट वर्जन देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ जो गेम स्पेस है इसका वर्जन आप देख लीजिए 4.10.0, ये भी आपको लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ गाइस जो थीम स्टोर है उसका वर्जन भी आप चेकआउट करके देख लेते हैं। थीम स्टोर का वर्जन है 9.3.0, इसका लेटेस्ट वर्जन आ चुका है। अगर आप आपका थीम स्टोर को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करना चाहते हो तो आप जाओ यार वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। रियलमी ओप्पो सिस्टम एप्लीकेशन अपडेटर वहाँ पे ओनली फॉर इंडियन वर्जन का लिंक मिलता है और लेटेस्ट सिस्टम एप्लीकेशन का लिंक मिलता है। आप जाओ फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाओ। उसके साथ साथ गाइस और भी जितने सारे सिस्टम एप्लीकेशन है उसका वर्जन भी आप चेकआउट करके देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे फिलहाल चलते हैं इधर एप्लीकेशन है इसका वर्जन की तरफ। इसका वर्जन है 13.2.6, आप यहाँ पे देख लीजिए ये भी लेटेस्ट वर्जन आ चुका है। जो कैमरा एप्लीकेशन है इसका वर्जन भी देख लेते हैं। तो गाइस चलते हैं ऐप इन्फो की तरफ। तो कैमरा एप्लीकेशन का वर्जन है 3.512.61, इसका भी लेटेस्ट वर्जन आ चुका है, आप जाके अपडेट कर सकते हो। उसके साथ जो म्यूजिक एप्लीकेशन है इसका वर्जन भी चेकआउट कर लेते हैं। इसका वर्जन आप फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए 45.7.1.4, ये भी लेटेस्ट वर्जन आ चुका है। तो जाओ यार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाओ। और दोस्तों C.04 अपडेट के बाद रियलमी GT मास्टर्स
अगर न्यू फीचर्स की कुछ बात किया जाए तो दोस्तों देखिए, न्यू फीचर्स आपको एक भी नहीं मिला है। जितने सारे बग आता उन सभी बग को फिक्स किया जा रहा है। अपडेट छोटा सा साइज है ओनली फॉर 35 MB का, तो इतने छोटा साइज में आपको न्यू फीचर्स कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो न्यू फीचर्स कुछ भी नहीं है, जो छोटा मोटा बग था उन सभी बग को सिर्फ इस अपडेट के साथ फिक्स किया जा रहा है। तो न्यू फीचर्स आपको एक भी नहीं मिला। बाद जो फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक वो भी आप टेस्ट करके देख लेते हैं। तो फिलहाल आप देख लीजिए फिंगरप्रिंट बहुत ही ज्यादा फर्स्ट है, आप फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए बहुत ही फर्स्ट है और तुरंत यहाँ पे फिंगरप्रिंट के साथ डिवाइस अनलॉक हो रहा है। और मेरा डिवाइस में देखिए गाइस, ये जो फायर वाला फिंगरप्रिंट एनिमेशन है मेरा डिवाइस में इंस्टॉल है। अगर आप इसी फायर वाला फिंगरप्रिंट एनिमेशन को आपका डिवाइस में इंस्टॉल करना चाहते हो तो ऊपर आई वीडियो में वीडियो का लिंक दे रहा हूँ। टोटल आपको 11+ नया नया फिंगरप्रिंट एनिमेशन मिल जाता है, आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखना और आपका डिवाइस में आप फिंगरप्रिंट एनिमेशन को कस्टमाइज कर लेना। उसके साथ साथ गाइस जो फेस अनलॉक है वो भी आप ये चेक करके देख लेते हैं। तो आप फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए फेस अनलॉक भी बहुत ही फर्स्ट है, डिवाइस यहाँ पे तुरंत यहाँ पे ऑन हो रहा है। आप देखिए स्क्रीन तुरंत यहाँ पे ऑन हो रहा है, फेस बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा है और फर्स्ट डिटेक्ट कर रहा है। तो 0.04 अपडेट के बाद फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। दोस्तों आप ही जान लेते हैं Realme GT Master Edition डिवाइस में Realme UI 4.0 का स्टेबल अपडेट कब तक रोल आउट किया जाएगा। दोस्तों इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है और मैं ऊपर अपने वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, या फिर आप मेरे चैनल में विजिट कर सकते हो। लेटेस्ट वीडियो में सेकेंड नंबर का वीडियो है Realme GT Master Edition डिवाइस में Realme UI 4.0 का स्टेबल अपडेट कब तक रोल आउट किया जाएगा, मैं फुल इन्फॉर्मेशन के साथ लॉजिक के साथ डिस्कस किया है। अब जाकर वीडियो को जरूर देखना, आपको सब कुछ डाउट क्लियर होने वाला है GT Master Edition में स्टेबल अपडेट कब तक देखने को मिलेगा। तो यार आज का वीडियो इतना ही था। वीडियो अगर आपको पसंद आता है वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल में नया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखना। Realme GT Master Edition के रिगार्डिंग आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इसी चैनल में मिलता रहता है। तो गाइस जाओ यार फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यार मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, जय हिंद।